अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से, और आज हमारा लेसन नंबर है 53। हम सीख रहे हैं डायरेक्शंस के बारे में। तो चले अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दिस इज द बेकरी, इनमें से बेकरी कौन सी है। द बेकरी को जर्मन में क्या बोलेंगे? डी बेकराई। डी बेकराई। आगे बढ़ते हैं। ओ डेर बाहनहोफ इस्ट लिंक्स। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। जर्मन में सवाल पूछा जा रहा है, ओ डियर बाहनहोफ इस्ट लिंक, इसका मतलब होगा उर्दू में रेलवे स्टेशन बाएं जानिब है, ठीक है। और इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाएगा इसको? ओह, द ट्रेन स्टेशन इज ऑन द लेफ्ट। ओह, द ट्रेन स्टेशन इज ऑन द लेफ्ट। ओह, रेलवे स्टेशन बाएं जानिब है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ऑन द लेफ्ट? ऑन द लेफ्ट को आप क्या बोलेंगे? ऑन द लेफ्ट मतलब होता है दाएं बाएं जानिब, ठीक है। तो ऑन द लेफ्ट को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? लिंक्स। ऑन द लेफ्ट को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? लिंक्स। लिंक्स मतलब बाएं जानिब। आगे बढ़ते हैं। वो इस डेर सुपरमार्क्ट। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, जुमले का तर्जुमा करें। जर्मन में सवाल पूछा जा रहा है, वो इस्ट डेयर सुपरमार्केट, उर्दू में बोला जाएगा सुपरमार्केट कहाँ है। और इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? वेयर इज द सुपरमार्केट, वेयर इज द सुपरमार्केट, ठीक है, सुपरमार्केट कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। इस्ट डी बेकराई रेख्ट्स। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। जर्मन में सवाल पूछ रहे हैं, इस्ट डी बेकरी रेख्ट, एक्सक्यूज मी, इस्ट डी बेकरी रेख्ट, इसका मतलब उर्दू में होगा क्या बेकरी दाएं जानिब है, ठीक है। दाएं जानिब को बोलते हैं वेस्ट। तो इंग्लिश में इसको किस तरह से बोला जाएगा इस जुमले को? इज द बेकरी ऑन द राइट, क्या बेकरी दाएं जानिब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से सुपरमार्केट? सुपरमार्केट को आप जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? सुपरमार्केट। सुपरमार्केट को आप जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? सुपरमार्केट। सुपरमार्केट। आगे बढ़ते हैं। Entschuldigung, wo ist das Kino? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। सवाल पूछा जा रहा है जर्मन में, एंड शुल्डिगोंग वो इस्ट डस किनो, इसका मतलब उर्दू में होता है माजरत के साथ सिनेमा कहाँ है, सिनेमा या सिनेमा, एक्सक्यूज मी। दोबारा सुनते हैं। Entschuldigung, wo ist das Kino? Entschuldigung, wo ist das Kino? इसका मतलब होता है उर्दू में माजरत के साथ सिनेमा कहाँ है, सिनेमा या मूवी थिएटर, ठीक है। माजरत के साथ मूवी थिएटर कहाँ है, तो इसको इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? एक्सक्यूज मी, वेयर इज़ द मूवी थिएटर, माजरत के साथ मूवी थिएटर कहाँ है, ठीक है, सिनेमा भी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इश। देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ है इश की। इश। 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाउ डू यू से मूवी थिएटर? मूवी थिएटर को आप किस तरह से कहते हैं? मूवी थिएटर को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? कीनो। कीनो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरे, देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ें हो गई की। ओले, ओबे, ओवे, ओरे, 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यार मैच करते हैं। चीप, चीप मतलब होता है सस्ता, तो जर्मन में क्या होगा? बिलिग। बेकरी, बेकरी को क्या बोलेंगे जर्मन में? बेकराई। पार्क को क्या बोलेंगे जर्मन में? पार्क। कॉफी को क्या बोलेंगे जर्मन में? कॉफी। ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना, जर्मन में क्या बोलेंगे? अल्ट। अल्ट। या दस होटल इस्ट रेक्ट्स। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, जुमले का तर्जुमा करें। जर्मन में लिखा है या डज होटल ईस्ट वेस्ट, इसका मतलब उर्दू में होगा हाँ होटल दाएं तरफ है, दाएं जानिब है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा? यस द होटल इज ऑन द राइट, हाँ होटल दाएं जानिब है। आगे बढ़ते हैं। ist der Supermarkt links oder rechts? सवाल पूछा जा रहा है जर्मन में, इस डियर सुपरमार्केट लिंक्स ओडा गेस्ट, इसका उर्दू में मतलब होगा क्या सुपरमार्केट बाएं जानिब है या दाएं जानिब, ठीक है। और इंग्लिश में किस तरह से होगा? इज द सुपरमार्केट ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। इंग्लिश में लिखा है द मूवी थिएटर इज ऑन द राइट, इसको हमें लिखना है जर्मन में। द मूवी थिएटर इज ऑन द राइट का मतलब उर्दू में क्या होता है? मूवी थिएटर दाएं जानिब है, ठीक है। और जर्मन में किस तरह से लिखा जाएगा? द मूवी थिएटर को क्या लिखेंगे? Das Kino ist rechts. Das Kino ist rechts. मूवी थिएटर दाएं जानिब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इंग्लिश में लिखा है इज द सुपरमार्केट ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट, क्या सुपरमार्केट बाएं जानिब है या दाएं जानिब, इसको हमें लिखना है जर्मन में। इज डियर सुपरमार्केट तो लिखा है links oder rechts, ist der supermarkt supermarkt links oder rechts, kya supermarket daaye janib hai ya baaye janib। theek hai dosto, to ye to tha lesson number 53, agle lesson mein phir milenge, tab tak ke liye allah hafiz।